थोड़े सुस्त हैं अनिल जी अमेरिकी फ्यूचर्स बट कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं आ रहा है 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है 60 पॉइंट नीचे नास्टैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं यूरोप में मिला जुला कारोबार है कच्चा तेल आपका एक परसेंट नीचे ये अच्छी बात है बट उसके सामने रुपया भी आपका रिकॉर्ड निचले स्तर पर है इस समय बताएं सर क्या करना चाहिए पच्चीस हजार के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि आज पच्चीस हजार के नीचे बंद होने की इच्छा है इसकी निफ्टी की पहले मैं आपको डेटा बता दूंगी पच्चीस हज़ार के पुट पर सत्तावन लाख शेयर हैं कॉल्स में चौहत्तर लाख शेयर यानी कि कॉल राइटर थोड़ा भारी है कोशिश यही करेगा कि पच्चीस हज़ार के नीचे ही आपको क्लोजिंग देने की कोशिश करे लेकिन अब नीचे कितनी है पच्चीस नौ सौ पच्चीस के नीचे की क्लोजिंग ज़्यादा ख़राब होगी पच्चीस हज़ार के नीचे भी खराब ही है नौ सौ पच्चीस के नीचे अगर क्लोज़ होता तो अगले हफ्ते जो आपने लोज टेस्ट किए हैं छः तारीख को ना... चौबीस सात सौ से चौबीस आठ सौ की रेंज में वो लोज आप वापस ट्रेस कर सकते हैं ये रिस्क आपकी ख़त्म नहीं होगी कीजिए जहाँ सात तारीख को जो लोज ट्रेस किए वो जा सकते हैं अब ये है आपके लिए निफ्टी अब आइए बैंक निफ्टी इक्यावन हज़ार बाईस लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो होल्ड होना चाहिए ऊपर में सत्ताईस लाख शेर इक्यावन पाँच सौ पे तो इसी रेंज में ये ट्रेड करता रहेगा सो इक्यावन हज़ार के नीचे खराबी होगी इक्यावन पाँच सौ के ऊपर ठीक हो जाएंगे बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि रेंज तोड़ने को तैयार है लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी रिस्क दिख रही है चौबीस नौ सौ पच्चीस को तोड़ने की अगर उसके नीचे बंद होता है तो थोड़ा मामला ठीक गड़बड़ हो सकता है तो ऐसे में बेहतर यही है कि फ्रेश पोजिशन इसको कुछ ना बनाए इंतजार करें अगर रिकवरी आए थोड़ा आप हल्का होना चाहे क्लोजिंग पे फोकस करें मेरे ख्याल से तीन बीस ज़्यादा सही लेवल सही समय होगा जब आप अगले हफ्ते के लिए एक्शन पे आए अब इनको हटाकर बात वही है, ले देकर जहाँ एक्शन है आपको वहीं रहना पड़ेगा इंडेक्स में कम है क्लियर नहीं है स्टॉक्स में अच्छा है बेहतर है आज भी देखिए दीप बढ़ने वाले शेयर एन और बी दोनों पर थोड़ा बेहतर है ज़्यादा है मिड कैप शेयर अभी भी डेढ़ पॉइंट ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी सत्तर पॉइंट ऊपर है सो वहाँ पर अच्छी तेज़ी है और वहाँ आपको जो स्टॉक रिजल्ट के लिहाज से खबरों के लिहाज से समझ में आए वहीं पर फोकस करें ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए गॉड ठीक है चलिए स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फोकस करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए